नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गॉड में आपका स्वागत। भगवान व्यास के चले जाने के बाद पांडवों ने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण को नमस्कार करके उनसे विदा ली और वहां से पंचाल देश की ओर चल दी। एक दिन और एक रात चलकर पांडव अपनी माता कुंती के साथ गंगा जी के तट पर सोमशरण नामक तीर्थ में जा पहुंचे। उसमें उनके आगे आगे अर्जुन उजाला तथा रक्षा करने के लिए जलती हुई मशाल उठाए चल रहे थे। उस तीर्थ के पास गंगा जल में गंधर्वराज चित्ररथ स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे। उसने गंगा जी की ओर बढ़ते हुए पांडवों के पैरों की धमक सुनी। उस शब्द को सुनते गंधर्वराज क्रोध के आवेश में आकर बड़े जोर से कुपित उठा और अपना धनुष को टंकार कर पांडवों से बोला। दिन के अंत में जब लाली मामई संध्या होती है, उसके बाद 80 लव के अतिरिक्त सारा समय गंधर्व यक्ष और राक्षसों के लिए। दिन का सारा समय तो मनुष्य के लिए है ही, जो मनुष्य लोभवश हम लोगों के समय में इधर आता है उन्हें हम और राक्षस कैद कर लेते। इसी से रात के समय जल में प्रवेश करना निषेध है। क्या तुम लोगों को पता नहीं मैं गंधर्वराज अंगारपरण इस समय गंगा जल में विहार कर रहा हूँ। मैं अपने बल के लिए प्रसिद्ध हूँ, कुबेर का प्रिय सखा और पूरे पूरे आत्मसम्मान का पक्ष पाती हूँ। मेरे ही नाम से वन भी प्रसिद्ध है। मैं गंगा के तट पर चाहे कहीं भी मोह से विहार करता हूँ। मेरी उपस्थिति में यहाँ राक्षस यक्ष देवता और मनुष्य कोई नहीं आ सकता, फिर तुम लोग कैसे आ रहे हो? अर्जुन ने कहा, अरे मूर्ख, समुद्र हिमालय की तराई और गंगा नदी के स्थान रात दिन अथवा संध्या के समय किसके लिए सुरक्षित? भूखे अमीर गरीब सभी के लिए रात दिन गंगा मैया का द्वार खुला है। यहाँ आने के लिए समय का कोई नियम नहीं। यदि मान भी लें कि तुम्हारी बात ठीक है तो भी हम शक्ति संपन्न हैं, बिना समय के भी तुम्हें कुचल सकते। जो युद्ध करने में असमर्थ हैं वह दुर्बल मनुष्य ही तुम लोगों की पूजा करते। देव नदी गंगा कल्याण जननी एवं सबके लिए बेरोक टोक है। तुम जो इसमें रोक टोक करना चाहते हो वह सनातन धर्म के विरुद्ध है। क्या केवल तुम्हारी बंदर घुटकी से डरकर हम गंगा जल का स्पर्श न करें? यह नहीं हो सकता। अर्जुन की यह बात सुनकर गंधर्वराज चित्ररथ क्रोधित हो गया और धनुष खींचकर विशाले सांपों की भांति तीखे बाण छोड़ने लगा। यह देख पांडुनंदन अर्जुन ने तुरंत ही मशाल घुमाकर और उत्तम ढाल से रोककर उसके सभी बाण व्यर्थ कर दिए। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, जो अस्त्र विद्या के विद्वान हैं उन पर तुम्हारी ये घुड़की नहीं चल सकती। अस्त्र विद्या के मर्मज्ञों पर फैलाई हुई तुम्हारी ये माया फेन की तरह बलीन हो जाएगी। गंधर्व, मैं जानता हूं कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ माया से नहीं दिव्य अस्त्र से युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने कुपित होकर गंधर्व पर अग्नि अस्त्र चला दिया। उस अस्त्र ने गंधर्व के रथ को जलाकर भस्म कर दिया। गंधर्वराज सुनसा होकर नीचे गिर पड़ा। अर्जुन ने उसके केश पकड़ लिए और घसीटकर अपने भाइयों के पास ले। गंधर्व की पत्नी अपनी पति की रक्षा के लिए युधिष्ठिर की शरण में आई। उसकी शरणागति और रक्षा प्रार्थना से द्रवित होकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, यह गंधर्व युद्ध में हार गया है और अपना यश खो चुका है। अब स्त्री इसी की रक्षिका बनकर आई है। यह स्वयं कोई पराक्रम नहीं कर सकता, ऐसे दीनहीन शत्रु को कौन मारता है? इसे जीवित छोड़ दो। अर्जुन बोले, गंधर्व, जीवन धारण करो, जाओ, अब शोक ना करो। इसमें क्रूरराज युधिष्ठिर तुम्हें अभ्यदान दे रहे। गंधर्व ने अर्जुन से कहा, मैं हार गया इसलिए अपना अंगारपण नाम छोड़ देता हूँ। यह बात बड़ी अच्छी हुई कि मुझे दिव्य अस्त्र का मर्मज्ञ मित्र मिला है। मैं अर्जुन को गंधर्वों की माया सिखला देना चाहता हूँ। मैं आज चित्ररथ से दग्ध रथ हो गया। आज मुझे हराकर भी आपने जीवित छोड़ दिया, इसलिए आप सारे कल्याणों के भाजन हैं। इस विद्या का नाम चाक्षुषी है। इसे मनु ने सोम को, सोम ने विश्वावसु को और विश्वावसु ने मुझे दिया है। इस विद्या का प्रभाव यह है कि इसके बल से जगत की कोई भी वस्तु, चाहे वह जितनी सूक्ष्म हो, नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष देख सकती है। जो 6 महीने तक एक पैर से खड़ा रहे वह इसका अधिकारी। परंतु मैं आपसे अनुनय करता हूँ कि इसे आप बिना व्रत के स्वीकार कर लीजिए। इसी विद्या के कारण हम गंधर्व मनुष्य से श्रेष्ठ माने जाते हैं। मैं आप सब भाइयों को गंधर्वों के दिव्य वेगशाली और दुबले होने पर भी कभी न थकने वाले 100-100 घोड़े देता हूं। वे चाहते ही आ जाते हैं, चाहते ही चाहे जहां चले जाते हैं और चाहते ही अपना रंग बदल लेते हैं। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, यदि तुमने प्रसन्न होकर अथवा प्राण संकट से बचाने के कारण मुझे विद्या, धन अथवा शास्त्र प्रदान किए हैं तो मैं इस तरह का दान लेना पसंद नहीं करता। गंधर्व बोले, जब सप्तपुरुष इकट्ठा होते हैं तब उनका परस्पर प्रेम भाव बढ़ता ही। मैं आपके प्रेम बस ये भेंट करता हूँ, आप भी मुझे अग्नि अस्त्र दीजिए। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं ये अस्त्र विद्या देकर तुमसे घोड़े ले लूंगा। हम दोनों की मैत्री सदा बनी रहे। सखे गंधर्वराज, बताओ तो सही, तुम लोगों से हम मनुष्य को क्यों भय प्राप्त होता है? गंधर्व, हम सब लोग वेद वेता और शास्त्रों का दमन करने की शक्ति रखते हैं, फिर भी रात में यात्रा करते समय जो तुमने हम लोगों पर आक्रमण किया, इसका क्या कारण? गंधर्व बोला, पांडु कुमारों, ना आप लोग अग्निहोत्री हैं और ना ही आप लोग प्रतिदिन अग्नि को आहुति देते हैं। आपके साथ ब्राह्मण भी नहीं, इसी से मैंने आक्रमण किया।
तप्ती नंदन बिना ब्राह्मण की सहायता के केवल अपने पराक्रम अथवा पुरजन परिजन के द्वारा पृथ्वी पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिए आप ये निश्चय कर लीजिए कि ब्राह्मण को नेता बनाने पर ही चिरकाल तक पृथ्वी पालन संभव है। गंधर्व के मुख से तप्ती नंदन संबोधन सुनकर अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, हम लोग तो कुंती के पुत्र हैं, फिर तुमने तप्ती नंदन क्यों कहा? ये तप्ती कौन थी जिसके कारण हमें तप्ती नंदन कह रहे? अर्जुन के पूछने पर गंधर्व ने पांडवों को सूर्य पुत्री तप्ती और ऋषि वशिष्ठ की कथा सुनाई और कहा, स्वर्ण और तप्ती के पुत्र कुरु तुम्हारे पुरख थे, इसलिए तुम सब तप्ती के वंशज हो। तब अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, तुम तो सब कुछ जानते हो, यह बतलाओ कि हम लोगों के योग्य वेदज्ञ पुरोहित कौन होंगे? गंधर्व ने कहा, अर्जुन, इसी वन के उत्तोत तीर्थ में देवल के छोटे भाई धौम्य तपस्या कर रहे हैं, आप लोगों की इच्छा हो तो उन्हें पुरोहित बना ले। इसके बाद अर्जुन ने गंधर्वराज को विधि पूर्वक अग्नि अस्त्र दिया और प्रसन्नता से कहा, गंधर्व रतन, तुम जो घोड़े देना चाहते हो वे अभी तुम्हारे ही पास रहे, समय आने पर हम उन्हें ले लेंगे। अर्जुन की ये बात पूरी होने पर गंधर्वराज और पांडवों ने एक दूसरे का बड़ा सत्कार किया, फिर पांडव गंगा के रमणीय तट से अपनी इच्छा के अनुसार चलते। इसके बाद पांडव धौम्य के आश्रम में पहुंचे, धौम्य ने कंद मूल फल से पांडवों का स्वागत सत्कार किया, पांडवों ने उनसे पुरोहित बनने की प्रार्थना की, धौम्य ने पांडवों का पुरोहित बनने के लिए स्वीकृति दे दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।